जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। इस प्रकार से संसार में परिभ्रमण कर रहा है संसारी प्राणी। बंधुओं याद रखना, सब द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। सब मैंने द्रव्य संग्रह जब पूर्व अवस्था में पढ़ा था उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा द्रव्य किसको कहते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव, इन तीनों में जो समाहित होता है उसका नाम द्रव्य है। जो उत्पाद में ही नहीं, व्यय में ही नहीं और ध्रुपना में ही नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सब तीनों में व्याप्त है उसका नाम द्रव्य है। भूत भविष्यत और वर्तमान काल में जो व्याप्त है उसका नाम द्रव्य है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। जिस प्रकार आपके घर में गेहूं है, आप क्या बोलते हैं उसको? गेहूं है बोलते हैं, और गेहूं का बीज है बोलते हैं। लेकिन गेहूं का बीज है और उसको पीस लेते तो क्या क्या हो जाता है? काय की आटा, ज्वार की आटा, काय की गेहूं की आटा। और उसके बाद उससे रोटी बनाते हैं तो काय की रोटी? गेहूं क्यों लगा उसके पीछे? बाटी बनती है तो मैं ये कह रहा था कि वास्तव में वहां पर बीज है तो भी गेहूं के बीज, और इसको बो देते हैं तो अंकुरित हो जाता है तो काय का अंकुर? गेहूं का अंकुर। और वह फसल आ जाती है तो काय की फसल? गेहूं की फसल। उसमें बालियां आ जाती है तो काय की बालियां है? गेहूं की बालियां है। और उसमें हरा दाना आ जाता है और उसको आप लोग निकाल करके सेक करके और उसको स्वाद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको भी क्या है? इसी प्रकार। और इतना ही नहीं कि आज वो रोटी बनती है तो काय की रोटी मानी जाती है? गेहूं की रोटी बनती है। बाटी बनती है तो गेहूं की बन जाती है। आटा बनती है तो गेहूं की बन जाती है। याद रखना, कभी वह बीज था वह आज अंकुर है, अथवा आज फसल के रूप में है, आज रोटी के, कल रोटी के रूप में बदलेगा। भूत भविष्य और वर्तमान काल में जो व्याप्त है, भूत भविष्य काल में जो व्याप्त है और इसके बावजूद भी अर्थात उत्पाद व्यय इन सब में रहते हुए भी नित्यता को लेकर के हुए, लेकिन उनमें नित्यता क्या है? गेहूं 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 ये सब के साथ लगा हुआ है, कोई भी पर्याय हो, इसी को बोलते हैं द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सब। बंधु याद रखना, संसार के इस परिवर्तनशीलता का कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इस परिवर्तनशीलता के बिना भी कुछ होने वाला नहीं है। यदि द्रव्य नित्य कूटस्थ हो जाएंगे, इसीलिए आचार्यों ने कहा द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि नित्य बन जाए तो अनर्थ हो जाएगा और अनित्य बन जाए तो भी अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने बहुत सुंदर तत्व की ज्ञान के बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आज तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्या कह सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा यह परिवर्तनशीलता भी अनिवार्य है। परिवर्तन के बिना परमात्मा संसार परिभ्रमण करना संभव है क्या? बोलो, नहीं है। परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन प्रवृत्ति परिवर्तनशील संसार में संसार के प्रत्येक प्राणी प्रवृत्ति कर रहा है। आप भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी प्रवृत्ति कर रहा, छोटा बच्चा भी प्रवृत्ति कर रहा, बड़े भी प्रवृत्ति कर रहे, चींटी भी प्रवृत्ति कर रहे, हाथी भी प्रवृत्ति कर रहा। बंधु विचार कर लेना, बिना प्रवृत्ति के कोई परमात्मा बन भी नहीं सकता है। परिवर्तन भी आवश्यक है, प्रवृत्ति भी आवश्यक है, लेकिन पुण्य में प्रवृत्ति हमें धीरे धीरे परमात्मा की ओर ले जाती है और पाप में प्रवृत्ति हमें संसार परिभ्रमण की ओर ले जाती है। बंधु याद रखना, प्रवृत्ति के बिना कोई संसार परिभ्रमण नहीं कर सकता, लेकिन प्रवृत्ति प्रयोजन रूप में प्रवृत्ति हमें परमात्मा बना देती है, पुण्य में प्रवृत्ति हमें परमात्मा बना देती है और पाप में प्रवृत्ति हमें संसार परिभ्रमण करा देती है। प्रवृत्ति हो प्रयोजन भूत में हो, प्रवृत्ति हो पाप में नहीं पुण्य में हो, प्रवृत्ति हो संसार में नहीं मोक्ष मार्ग में हो, प्रवृत्ति हो
अपकार में नहीं उपकार में प्रवृत्ति हो। लेकिन हमारी प्रवृत्ति लगता है हम उपकार में प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन हम अपने परिणामों को टटोलते तो मालूम पड़ता है कि हमारा प्रवृत्ति अपकार में है। परिणामों के देखते हैं तो हम वास्तव में दिखाते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है, हम परोपकार की ये दृश्य दिखाते हैं, लेकिन अंदर से परिणाम क्या रहते हैं, अपकार की भावना रहती है। ये परिणाम हमारे लिए संसार परिभ्रमण के लिए कारण है। बंधुओं, अपकार में नहीं परोपकार में प्रवृत्ति हो, संसार और असार में नहीं सार में प्रवृत्ति हो, और विषयों में नहीं वास्तविकता में प्रवृत्ति हो, निश्चित रूप से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपकी प्रवृत्ति किस में है ये देख लेना, विचार करेंगे। आप भी प्रवृत्ति करते हैं, साधु संत भी प्रवृत्ति करते हैं, आप भी श्रम करते हैं, साधु संत भी श्रम करते हैं। आप किसके लिए श्रम, आप संसार के लिए श्रम करते हैं, आप असार के लिए श्रम करते हैं, और संत सज्जन किसके लिए श्रम करता है, सार के लिए श्रम करता है, संयम के लिए श्रम करता है, सत्य के लिए श्रम करता है, अपने स्वभाव को पाने के लिए श्रम करता है। असार के लिए श्रम करने वालों थोड़ा सा विचार कर लेना, संसार के लिए परिश्रम करने वालों थोड़ा सा सोच लेना। संत भी बाह्य प्रवृत्ति करता है, आप भी भाव प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन संत की प्रवृत्ति किसके लिए होती है, संत का परिश्रम किसके लिए होता है, प्रवृत्ति को कम करने के लिए बाह्य प्रवृत्ति करता है संत, प्रवृत्ति को कम करने के लिए बाह्य प्रवृत्ति करता है संत, और साधु साधु संत किंतु संसारी प्राणी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए बाह्य प्रवृत्ति करता है। दोनों में अंतर है। आप प्रवृत्ति करें, प्रवृत्ति करना अनिवार्य है और परिवर्तन भी अनिवार्य है। इन दो के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है। इसीलिए श्रावक किसको बोलते, साधु किसको बोलते, कह दिया गया है, जाके पगथिर मन चले श्रावक उसको जान। क्या? जाके पगथिर मन चले श्रावक उसको जान, मन थिर जाके पग चले साधु बड़े महान। साधु कौन होता है? जिनका मन स्थिर होता है लेकिन उनका पैर हमेशा चलते रहते हैं। श्रावक किसको बोलते हैं? जिनका पैर स्थिर रहते हैं, स्थान स्थिर है, मकान स्थिर है, सब कुछ है, लेकिन उनका मन चलायमान होते रहते हैं। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, नहीं बोलते बोलकर चलकर भी थिर होए, नहीं देखते देखकर निज में थिर नर लोए। अर्थात देख करके भी साधु देखता नहीं है, बोल करके भी साधु बोलता नहीं है, चल करके भी साधु थिर होता है, लेकिन आप स्थिर होकर के भी चलते रहते हैं, आप बोल नहीं बोल करके भी बोलते रहते हैं। बंधु विचार कर लेना दोनों में कितना अंतर है, मुझे पूरा विश्वास है। इसी प्रकार संत सोचता है कि एक एक कदम रखते हुए इतनी शक्ति एनर्जी खर्च हो जाती है, और बाहरी प्रवृत्ति में परिश्रम कितने शक्ति व्यर्थ में चली जाती है। इस शक्ति के अपव्यय के कारण प्रवृत्ति और परिश्रम को कम करने के लिए वह साधु परिश्रम करता रहता है। बंधुओं, मन वचन काय के एवं चेतन की शक्ति को रोकने के लिए साधु परिश्रम करता रहता है। इसका कारण क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? क्या संसारी प्राणी को इस प्रवृत्ति और परिश्रम के बारीकी से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप किसकी वजह से प्रवृत्ति करते हैं, आपकी प्रवृत्ति किसकी वजह से और किसके लिए और किस में हो रही है, किस में, क्या किसके लिए करते हैं, किस में प्रवृत्ति कर रहे हैं? बंधुओं, पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। क्या हमारी प्रवृत्ति किसमें हो रही है? पेट भरने के लिए कोई मना नहीं है, आचार्यों ने आहार हम लोगों के लिए लेने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चल पा रहा है। हमें पेट भरने से चिंता नहीं है, हमें पेटी भरने की चिंता है। और इतना ही नहीं, परिवार के लिए पालन पोषण के लिए कम, और प्रयोजन भूत के लिए कम, और व्यर्थ के लिए प्रवृत्ति औसतन रूप से अधिक होती है। बंधुओं, स्वयं की वजह से नहीं, संतान की वजह से नहीं, आपके सारे प्रवृत्ति परवश होकर के करते हैं प्रवृत्ति। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा नमो।